हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी देखो 21 दिन का चैलेंज तो मैंने ले लिया, पर ये सोच में पड़ गया हूँ कि ये 21 दिन में कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, इतना कंटेंट मिलेगा कहाँ से, वो भी लॉकडाउन में। अभी तो घर पे बैठा हूँ, बाहर भी निकल नहीं सकता, तो इतना कंटेंट मिलेगा कहाँ से। तो इसलिए बहुत सोच में पड़ गया था मैं। अभी मुझे एक आइडिया है कि अपना घर जो है वो आपको दिखाएंगे कि कैसा है हम लोगों का घर। देखो गरीब का घर है, बहुत ही बुरा है, पर क्या करें, जो भी है अपना ही है। तो आज आपको देंगे एक होम टूर। तो अभी मेरे पीछे जो आम का पेड़ दिख रहा है, ये हर एक वीडियो में मेरा बैकग्राउंड रहता है। और ये अपने पीछे जो टूटा फूटा सा दिख रहा है, ये पहले स्टोर रूम था, तो ये अभी टूट चुका है। पिछले साल आम्फान जो तूफान आया था तब वो टूट गया था और उसको रिपेयर नहीं कर पाए हम लोग। हमारे छत से जो ये नज़ारा दिखता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पूरा ग्रीनरी एकदम देखिए। और ये रहा अपना वेरोनिका, और ये है अपना ट्राइपॉड जिसमें हम कैमरा लगाते हैं। वैसे ये प्रोफेशनल ट्राइपॉड है जो कि मेरे फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म बनाने में काम आता है। और ये रहा अपना छोटा सा लाइट जो कि इंडोर में काम आता है। और ये रहा अपना दूसरा गाड़ी। वैसे तो मेरा ये पीछे वाला जो रूम है ये था किचन, पर अब किचन नहीं रहा, अभी इसको हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया है। और यहाँ पे अपना गाड़ी रहता है, दूसरा गाड़ी। तो ये वाला है हम लोगों का दूसरा रूम, ये हम लोगों का बेडरूम है, ये रहा बेडरूम। अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लेटा हुआ, तो ये रहा अपना होम मिनिस्टर सजदे सवरते हुए। तुमको तो नहीं होगा इसलिए मैं ही सजने सवरने में बिजी हूँ। हमको कोई सजने का जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत हैंडसम हूँ, पर बाल झड़ गए हैं, यही दिक्कत है। तो ये रहा अपना छोटा सा ऑफिस, हालांकि मेरा जो ऑफिस था उसको छोड़ने के बाद अब यही मेरा ऑफिस है। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वॉल है इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँ, पर अभी नहीं हो पाएगा, कब होगा वो भी पता नहीं। तो फिलहाल जो है उससे ही काम चलाना पड़ेगा, जुगाड़ू आदमी हूँ बहुत भाई, जुगाड़ से ही काम चलाता हूँ अपना। ये रहा अपना राइडिंग जैकेट, बहुत दिन से पहना नहीं इसको। और ये जो दीवारों में आप कलाकारी देख रहे हैं, ये मेरे बेटे का कलाकारी है। इसको देख के लग रहा है कि ये बड़ा होकर आर्टिस्ट ही बनेगा, ऐसा कोई ऐसा ऐसा वैसा करेगा। ईगल वाला दिखाओ, ईगल, ये ईगल है, कहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये ईगल है। फिर से अरे यार, तो अपना होम मिनिस्टर तैयार हो रहा है, अभी शूटिंग करेगा। एक वीडियो बनाने के लिए ये इतना सस्ता सवरता है कि वहाँ पे ही 2 घंटा चला जाता है, वीडियो कब बनाओगे। और देखो हमको, देखो कैमरा उठाया, एक टी शर्ट पहन लिया, बस हो गया। ये देखो कितना से तुम देख के क्या करोगे, तुम्हारे कोई काम का नहीं है। और ये रहा अपना किचन जो कि सीढ़ी के नीचे है। पहले तो ये वाला रूम किचन था, पर अब वो सीढ़ी के नीचे चला गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। किसी ने मेरे मम्मी को बोला था कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो कॉर्नर होता है वहाँ पे रसोई घर अच्छा नहीं है वास्तु के हिसाब से। यार इस वास्तु के चक्कर ने वहाँ से किचन हटा के सीढ़ी के नीचे ला के खड़ा कर दिया। अब मम्मी को जैसा समझाया उसने वैसा ही किया, अब हम पछता रहे हैं। मेकअप हो गया? इसके पास इतना ज्वेलरी है, फिर भी बोलता है मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। यार अगर सब उठा के, नहीं ये पुराना वाला है, पुराना वाला तो पुराना वाला चीज नहीं होता है, बहुत पुराना। ये देखो कितना चीज़, तुम तो कुछ खरीद के ही नहीं देते। तो यही था हम लोगों का छोटा सा घर, प्यारा सा घर, पर जो भी है अपना ही है, जैसा भी है एडजस्ट करना होगा, शायद कल कोई बेटर ऑप्शन मिले। ये कोरोना और लॉकडाउन ने जितना नुकसान मेरा हुआ है, अभी ये वाला जो नुकसान है ये मैं 2 साल में भी कवर नहीं कर सकता हूँ, शायद 4-5 साल लग जाएगा। खैर ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र का मज़ा लेना चाहिए, कभी कभी मज़ा सज़ा भी बन जाता है जो कि अब हो रहा है मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। ये है मेरे ज़िंदगी का एक पार्ट जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया,
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और इस वीडियो को करते यही पे एंड। फिर से मुलाकात होगी कल, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।